गैडिल्ला का मार्केट आप लोग देख सकते हो। हेलो गाइस, वेलकम टू बैक माय यूट्यूब चैनल। मैं कृति गौतम ब्लॉगर, आप सभी का मेरे डेली ब्लॉग में स्वागत है। तो आज हम जाएंगे धनतेरस की शॉपिंग करने। तो आप सभी मेरे यूट्यूब फैमिली को हैप्पी धनतेरस हमारी तरफ से। आप लोग हमेशा खुश रहे, स्वस्थ रहे, मस्त रहे। तो आज हम लोग लोकल मार्केट से परचेज करेंगे सारा सामान, क्योंकि लोकल मार्केट से परचेज करने से यह फायदा होता है कि जो मतलब जो बेचते हैं उनके घर में भी हमारी तरफ से खुशियाँ हैं। तो कोई भी मॉल या कोई भी ऑनलाइन शॉपिंग ना करे, लोकल मार्केट से अपन अपने परचेज करें सारे सामान को, ताकि उन्हें भी खुशियाँ मिले। तो चलिए ब्लॉग में बने रहिए, इन्जॉय कीजिए। वीडियो को पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए और मुझे ढेर सारा सपोर्ट कीजिए, क्योंकि आप लोग का सपोर्ट ही मुझे और भी प्यार देता है। जब हम वीडियो बनाते हैं और आप लोग मुझे सपोर्ट करते हैं तो मुझे अच्छा लगता है। तो मेरे वीडियो में बने रहिए। ये है हमारा डिल्ला का मार्केट। तो मैंने क्या क्या शॉपिंग किया, तो जल्दी जल्दी वीडियो को दिखाती हूँ, क्योंकि डिल्ला लोकल मार्केट नहीं, लोकल मार्केट हमारा कहने का ये मतलब हुआ कि जो हमारे घर के पास पड़ता है वो मार्केट डिल्ला बहुत बड़ा बाजार है। तो सारा डिल्ला से मैंने शॉपिंग किया है। डिल्ला बहुत अच्छा जगह है और डिल्ला का मार्केट भी बहुत बड़ा है। तो मैंने फटाफट फटाफट करके सारा दिवाली का शॉपिंग कर लिया। मैंने बहुत बड़ा लिस्ट बना कर ले गई थी कि मुझे क्या क्या ख़रीदना है और क्या क्या खरीद कर मुझे घर लाना। तो आज धनतेरस था, तो धनतेरस के दिन मैंने शॉपिंग करने गई थी। मेरा बाबू भी शो गया था, तो मैंने बहुत कुछ ख़रीदा है। तो घर जा के वो वीडियो दिखाऊंगी, क्योंकि मार्केट में बहुत काफ़ी भीड़ था, बहुत ज़्यादा मतलब इनफ भीड़ था। और बेबी को लेकर थोड़ा मार्केट करने में बहुत सोचना पड़ता है। तो मैंने जल्दी 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 करके सारा शॉपिंग कर लिया है। तो मैं घर जा के सारा सामान दिखाऊँगी मैंने क्या क्या परचेस्ट किया। और डिल्ला पे बहुत लोग मुझे चीनते हैं, तो बोल रहे थे भाभी मैं आप ब्लॉग बना रही, मुझे अच्छा लगता है आपकी ब्लॉग। तो थैंक यू सो मच, आप लोग का प्यार है। तो मैंने दिवाली का बहुत सारा शॉपिंग किया है और धनतेरस है आज। आप सभी को फिर से हैप्पी धनतेरस दोस्तों। तो ये मैंने रंगोली लिया है, ये मैंने दो पीस लिया है, और इस तरह से मैंने पूजा रूम में लगाने के लिए लिया है, ये भी दो पीस लिया है, और ये भी मैंने तीन पीस लिया है। तो सारे मतलब सब जगह लगाऊंगी। और ये हिंदू धर्म में ना झाड़ू का बहुत महत्व होता है, तो मैंने दो झाड़ू लिया, एक फूल वाला एक नारियल वाला। तो हर लोग दिवाली पे धनतेरस के दिन मतलब ये शॉपिंग झाड़ू जरूर करते हैं, तो मैंने भी खरीदा है। और ये मैंने शुभ दीपावली वाला लिया है, ये अपने गेट पर लगा सकते हो, देख सकते हो ये दोनों। ये मैंने कलर पेपर लिया है दिव्यांशा को घर कुंडा कवर करने के लिए, और लक्ष्मी जी गणेश जी वाला वो करने के लिए, ये देख सकते हैं। ये वाला दो पीस है, और ये एक, और एक ये टैडी बियर वाला है। सारा मैंने मार्केट्स लोकल मार्केट से ही करता है। इस तरह से मैंने 8-10 पीस दिया लिया है कलरफुल वाला। तो आप लोग को दिवाली में दिखाऊंगी, बस अभी दिखा देती हूँ एक पीस कि मैंने इस तरह से लिया है सारा। और ये गम लिया है कागज को चिपकाने के लिए, एक फेविकॉल भी। ये मैंने ये पटाखा लिया है, लेकिन बच्चे लोग को जब भी पटाखा दे तो आप गार्जियन उनके साथ होना चाहिए, ताकि बच्चे लोग को नुकसान ना हो। तो आप सभी को एडवांस में हैप्पी दीपावली। और ये मैंने स्टिकर लिया है, मोर वाला है, मैं अपने रूम में लगाऊंगी। ये डोर मतलब डोर पे लगाने के लिए है, ये पंछी है जो कि घूम रहा है, इसमें दो है प्यारे प्यारे, इसमें ऑरेंज कलर का है, आप लोग देख सकते हो। और ये दो पीस है, दोनों साइड लगा सकते हैं। ये इसका मतलब येलो जैसा है, और ये ऑरेंज है। ये मैंने दिव्यांशा के लिए पटाखा लिया है जो कि बहुत अच्छा है, इसमें स्पार्कल रंगोली लिखा हुआ है। सही उल्टा दिखाते हैं तो सही दिखेगा। ये स्पार्कल रंगोली है जो कि मैंने 250 में खरीदा है, इसमें पाँच पीस है, तो देख सकते हो। और भी मैंने कुछ पटाखा लिया है, पता नहीं सब इधर उधर हो गया थे। और मेरा बाबू बहुत तंग करता है। एक कैंडल लिया है, ये भी सारे चीज़ मैंने ले लिया है। और दिखाती हूँ मैंने धनतेरस पे क्या लिया, तो उसे मैं सेट भी कर दी। अच्छा अच्छा लगा ना,
किसने खरीद के दिया? मैं। मम्मा और? मम्मा। मम्मा और कौन गया था मार्केट? मैं, पापा, बाबू। हम मम्मा, पापा, बाबू और हम गया। तो मम्मा को थैंक यू बोलो। थैंक यू मैम। वेलकम। लो ये तुम्हारे लिए दिव्यांशा। और मैम, यही धनतेरस के दिन मैंने बर्तन वाला चाली खरीदा है, मेरे पास नहीं था, मतलब था।